जबलपुर के सिविल लाइन पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी के वाहन खरीदने वाले समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से विभिन्न थाना क्षेत्र से चोरी हुए 24 दोपहिया वाहन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने बताया कि सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जबलपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर आरोपियों की पतारसी करते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस शातिर चोरों समेत चोरी के वाहन खरीदने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगातार हमारी एडिशनल एसपी सिटी, सीएसपी ओमती, थाना प्रभारी सिविल लाइन की टीम लगातार काम कर रही थी और उसी के पूरे ऑपरेशन के चलते 24 वाहन चोरी के बरामद हुए हैं, जो कि विभिन्न हमारे थाना क्षेत्रों से, आपका ग्वारी घाट है, तिलवारा है, गढ़ा है, इन सभी थाना क्षेत्रों से अलग अलग समय पर पिछले 6 से 8 महीने के बीच वाहन चोरी हुए थे जो बरामद हुए हैं। एक वाहन चोरी का प्रकरण धूमा सिवनी का भी था, वो भी यहाँ बरामद हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण ये बात यह है कि ये जो यहाँ पर 5 वाहन चोर पकड़े गए हैं, इसमें 3 जबलपुर ज़िले के और 2 सिवनी के हैं। इन लोगों का एक नेक्सस बन गया था, तो ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ से वाहन चुरा के उसको सिवनी ज़िले में धूमा क्षेत्र में विक्रय कर रहे थे। तो ऐसे 8 अन्य व्यक्तियों को जो वाहन चोरी यहाँ से जा रही थी और वो उसको खरीद रहे थे, उन सभी को आरोपी बनाया गया है। तो 8 खरीदार और 5 चोरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और 16 लाख रुपए कीमत के 24 दुपहिया वाहन इसमें सीज हुए हैं। जबलपुर से मनीष शिक्का की रिपोर्ट।